शिक्षाकर्मी परियोजना को प्रारंभ करने का मुख्य कारण ये है कि भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान एक बहुत ही कठिन प्रदेश है। यहाँ जनजाति बहुल क्षेत्र भी हैं, रेगिस्तानी इलाके भी हैं। रेगिस्तानी इलाकों की खास बात यह है कि बहुत दूरियां बहुत अधिक हैं और ऐसे बहुत बड़े पैमाने पर ऐसे परिक्षेत्र हैं राज्य में जहाँ के लोग अभी तक शिक्षक बनने के लिए जो योग्यताएं अर्हताएं चाहिए वो प्राप्त नहीं कर पाए हैं। वहाँ शिक्षक उन इलाकों से नहीं होते हैं और वहाँ के गांवों में शिक्षक जा कर के रहते नहीं हैं, ठहरते नहीं हैं। तो उनके लिए वहाँ की स्कूलें चलें, वहाँ शिक्षक मिलें, शिक्षा हो, खास करके प्रारंभिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके, इसके लिए वहाँ के लोगों को चुन करके और ये योजना बनाई गई कि वहीं के लोगों को चुन करके प्रशिक्षित करके शिक्षाकर्मी वहीं उन गाँव में के लोगों को बनाया जाए। पहाड़, पठार, पेड़, नदी, कुआं, तालाब। साथियों, आज हम सब साथ साथ विद्यालय गए थे ना, पास में विद्यालय में गए थे हम, और आज आप सभी ने वहां पर शिक्षा अभ्यास किया था, सबने किया था ना। आपको भी मजा आया होगा, आया मजा सबको, कितना मजा आया, बहुत मजा आया। तो हम वापस उसको देखेंगे, देखो पाचाराम जी है ना, इन्होंने भी पढ़ाया था, अच्छा पढ़ाया था इन्होंने। हाँ पाचाराम जी, क्या पढ़ाया था आपने? धरातल के बारे में इन्होंने पढ़ाया था। वर्तमान में राजस्थान के 27 जिलों में ये योजना चल रही है। इन जिलों की 90 पंचायत समितियों के 1610 गाँव में 3460 शिक्षा कर्मियों द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। इन स्कूलों में लगभग 1,22,000 छात्र छात्राएं अध्ययनरत है। इस शिक्षा कर्मी योजना के अंतर्गत बालिका शिक्षा हेतु 8 महिला प्रशिक्षण केंद्र, लगभग 250 महिला सहयोगी और 50 आंगन शालाएं भी चलाई जा रही है। मैं 200 पंचायत समिति के प्रधान हूँ। हमारे क्षेत्र में भी शिक्षा कर्मी योजना की करीब 11 स्कूलें चल रही है और वो ऐसे अंदरूनी इलाकों में, काफ़ी पहाड़ी क्षेत्र में, जहाँ के टीचर्स जाने में उनको प्रॉब्लम होती थी। और मैंने स्वयं ने जाके देखा है कि एक गांव तो ऐसा है पहाड़ी इलाके पे, जहाँ के हम जीप से गए तो करीब 2 घंटे लगे उसमें जाने में, और उस गाँव में उस सर वहाँ पर जो शिक्षाकर्मी स्कूल चल रहा है वहीं के टीचर्स लगे हुए हैं और उन शिक्षाकर्मी स्कूल काफ़ी अच्छा चल रहा है। और इसमें साक्षरता के अभियान में इसमें शिक्षाकर्मी जो प्रोजेक्ट से इसको काफ़ी बढ़ावा मिला है। शिक्षाकर्मी योजना जो राजस्थान के विभिन्न ज़िलों में, विभिन्न पंचायत समिति में, दूर दराज के गांव में चल रही है, वहां पर अधिक से अधिक संख्या में विद्यालयों में महिला शिक्षाकर्मियों को भेजना ताकि वो स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकें और बालिकाओं को, विशेष तौर पर लड़कियों को विद्यालयों में पढ़ने के लिए आकर्षित कर सकें। गाँव के अंदर बहुत कम लड़कियां विद्यालय में जाती हैं, गाँव में उनके माता पिता भी इस बात के प्रति जागरूक नहीं होते हैं कि लड़कियों को पढ़ाना आवश्यक है। लड़कों को तो वो पढ़ा लेते हैं परंतु लड़कियों के प्रति ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो आप लोग जब शिक्षाकर्मी बन जाएंगी तो विशेष ये आपको देखना पड़ेगा कि गाँव की सभी बालिकाएँ विद्यालय में पढ़ने के लिए आ रही हैं। पढ़ना आता है कुछ ऐसे दिन की वगैरह आती है? थोड़ा थोड़े आते हैं। आपसे भी देखिए पढ़वा के, अगर आप आपको भूल गए हैं कि याद है हम थोड़ा बताइए, थोड़ा ऊंचा ऊंचा पढ़ के बताइए, सभी को सुने, जो यहाँ से पढ़िए ऊपर से इसका शीर्षक भी पढ़े। भाई साहब दीन बंधु जी, अभी प्रहलाद जी ने बताया कि हम यहाँ पर लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा आप जोड़ेंगे, तो पहले भी आपके यहाँ स्कूल चलता था
और अब शिक्षाकर्मी योजना में स्कूल चल रहा है और आज सरोज को भी इससे हमने अरे राधा चली गई मेला चामरे गए अकेला राधा चली गई मेला चामरे गए अकेला। देखो आपके समक्ष एक संख्या लिखी जा रही है, पढ़ो इसे। इसमें दहाई का अंक कितना है? दो। और इकाई का अंक? छह। तो दहाई का अंक दो है और इकाई का अंक छह। अब देखो इसके नीचे एक संख्या और लिखी जा रही है, धरती कितनी प्यारी है, धरती कितनी प्यारी है, धरती कितनी प्यारी है। यही बच्चों की पालना कर बताएं बच्चों के। कितने दिन की ट्रेनिंग थी? 10 दिन की। 10 दिन की ट्रेनिंग आपने ली है? हाँ। उसमें क्या सीखा आपने? उसमें यही मतलब बच्चों को कैसे रखते हो आप, बच्चों के क्या क्या मतलब खाने को देते हो, बच्चों को कैसे परमेश्वर करते हो इनके। उससे आपको कुछ फायदा हुआ ट्रेनिंग से? हाँ, क्यों नहीं, ट्रेनिंग से कुछ फायदा हुआ। हाँ। आपने ट्रेनिंग में कुछ कोई कहानी कोई गीत कोई लोरी वगैरह भी सीखी क्या? हाँ सीखी थी। कोई बच्चे को संभालने देखिए, लोरी गाइए कोई? हाँ गाई थी। गाइए गाइए अभी गाइए बच्चे को लेकर। कितनी गोलियाँ ये? कितनी गोलियाँ ये? नौ। कितनी है? नौ। जिनमें से कितनी गोलियाँ निकालनी है? तीन। कितनी निकालनी है? तीन। एक दो तीन। कितनी गोलियां निकाल ली? तीन। शाबाश। कितनी निकाल ली? तीन। कितनी बची? छह। कितनी गोलियां बची? छह। ये छह। कितनी गोलियां थी पूरी? जी मैंने कितनी निकाली है? तीन। कितनी बची? छह। ये कितने है? नौ। कितने है ये? तीन। कितने बचे ये? छह। ये कितनी गोलियां गिन गिन के बताओ भाई। शाबाश। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ। कितनी गोलियां है ये? नौ। कितनी है? नौ। ये ऊपर वाली गोलियां कितनी है? नौ। ये कितनी गोलियां है भाई गोपाल? ये कितनी गोलियां है नीचे? तीन। गिन के बताओ भाई। एक दो तीन। कितनी गोलियां है ये? तीन। शाबाश। रिंकू ये गिन के बताओ कितनी गोलियां है? मेरे लाभ हुआ बच्चा बहुत समझदार हुआ है, इसमें से समझ भी आई है, इसलिए दिन को काम संभालते और रात को ये पढ़ने के लिए पहली नंबर तो एक दो लड़का भी नहीं आता, अभी तो रात को अंदर 50 लड़के लड़की और 50 लड़के रात को पढ़े और दिन को 70-75 तक दिन को पढ़ता है, इसलिए हमारे तो ठीक लगा है। बड़ा फायदा ये हुई है कि दिन में तो मजदूरी करे रात के अंदर बने सूरी रात बड़ी। पहले जो हमारे यहाँ चलती थी प्राइमरी विद्यालय उसमें एक ही टीचर रहता था और बच्चे भी करीबन 25-30 लड़के आते थे और जब से शिक्षाकर्मी हमारे यहाँ चालू हुई उसके बाद में हमारे यहाँ बच्चों का रोल काफ़ी 80-90 तक 100 के आसपास बच्चे पहुँच गए हैं और विद्यालय भी पहले तो टाइम टेबल अध्यापक बाहर के आते थे वो समय पे नहीं आते थे और अब आते हैं जो गांव के ही दो अध्यापक लगे हैं बहन जी और अध्यापक जी और गांव पे टाइम पे स्कूल खुल जाता है, बच्चे भी अच्छा रोल आता है पढ़ने के लिए, बच्चों को अच्छी पढ़ाई भी होती है और उसके साथ में 15-20 लड़कियाँ भी आती हैं तो बच्चे भी पढ़ते हैं और बालिकाओं को भी पढ़ने का फायदा मिला है, इसलिए पहले और आज में तो काफ़ी रात दिन का अंतर हुआ है। हमारे शिक्षाकर्मी लगने से हमारे गाँव में काफ़ी बहुत ही फायदा हुआ और बहुत ही फायदेमंद विद्यालय है, ये हमेशा चलना चाहिए, हमें बड़ी खुशी है
कि हमारे मेथुड़ी पंचायत क्षेत्र में ऐसे एक दो विद्यालय और खुले तो भी अच्छा, क्योंकि इसमें गांव वालों को काफी फायदेमंद काम हुआ है। अच्छा, अब मास्टर हमारे गांव का ही लगा दिया है। अच्छा, तो टेम्परेरी मास्टर भी आ जाता है स्कूल पे। अच्छा, और बच्चे को भी संभालते हैं। अच्छा, बच्चे को संभालते हैं। संभालते हैं और पढ़ाई भी अच्छी कराते हैं। बच्चियों को भी हमारे यहाँ कोई समझता नहीं था पढ़ाने में। अच्छा, तो अब हमारे गांव की बहन जी है वो पढ़ाई कराती है, रात को भी पढ़ाते हैं। अच्छा, दिन को भी पढ़ाते हैं। तो अनी तरह से साहब हमारे बहुत अच्छे, धन्यवाद, आपने ये स्कूल खोल दिया तो हमारे वास्ते बहुत फायदा दिया। एक तो पहले लड़कियाँ बनवा नहीं जाती, तो अब लड़कियाँ काफ़ी पढ़ने को जा रही है, रात को भी स्कूल चलती है और दिन को भी चलती है और बराबर टाइम टाइम चलती है, इसलिए काफ़ी गांव में शिक्षा रो प्रसार ज़्यादा हुई हो और शिक्षा रो महत्व ज़्यादा बढ़ गई हो। शिक्षा कर्मी परियोजना बहुत दूर दराज के गांव में, पिछड़े हुए गांव में चल रही है और वहां पर ये बहुत ही कठिन होता है कि हमको पढ़ी लिखी योग्य महिलाएँ मिल जाएँ जो कि महिला शिक्षा कर्मी बन सकें। इसलिए इसके लिए ये विचार किया गया कि कैसे महिला जो है वो अधिक से अधिक संख्या में शिक्षाकर्मी बने, इसके लिए हमने महिला प्रशिक्षण केंद्र जो हैं खोले हैं। महिला प्रशिक्षण केंद्र में हम महिलाओं को प्रशिक्षण देते हैं और उनको पाँचवीं क्लास तक के पारंगत स्तर की तैयारी उनसे करवाते हैं। ये महिलाएं उन्हीं गांव से आती हैं जहां पर के शिक्षाकर्मी स्कूल चल रहे हैं और ये महिलाएं सभी वहाँ की उन गांव की बहुएं होती हैं, जिससे कि वो गांव में रहें और स्कूल की सेवा हमेशा के लिए कर सकें। वर्तमान में शिक्षा कर्मी बोर्ड द्वारा दो तरह की पाठशालाएं चलाई जा रही हैं, दिन की एवं रात की। रात की पाठशालाओं को हम प्रहर पाठशाला कहते हैं। प्रहर पाठशाला और अनौपचारिक शिक्षा केंद्र में काफ़ी समानता है। प्रहर पाठशाला के जो सफल नतीजे उभर कर आए हैं और किन कारणों से उभरे हैं, उन्हीं को हम जो है अपनी अनौपचारिक शिक्षा केंद्र को सफल तरीके से कैसे चलाएं, उन चीज़ों को हम डालना चाहते हैं। अब ये कारण, जैसे सफल होने के कौन से कारण हैं, वो हैं प्रशिक्षण, सतत मूल्यांकन, प्रबोधन, तो इन चीज़ों को हम भी अपने अनौपचारिक शिक्षा केंद्र में डालना चाहते हैं और प्रयास यही हम लोग कर रहे हैं, जिससे हम भी अनौपचारिक शिक्षा केंद्र को एक सफल योजना, इसको कैसी बनाई जाए या इसको जो है हम प्रभावी तरीके से कैसे लागू करें, जिसमें शिक्षा कर्मी के स्तर और अनौपचारिक शिक्षा केंद्र में समानता हो जाए। और प्रत्येक गाँव में दो शिक्षा कर्मी होते हैं जो मिल करके ये कोशिश करते हैं कि गांव के 100% बच्चे स्कूल से, दिन के स्कूल से, नहीं तो कम से कम प्रहर पाठशाला से तो जुड़ ही जाएं। और आपको जान के खुशी होगी कि अब तक 115 गांव में ऐसे गांव हैं जहां पर कि 100% इस लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है, यानी कि 6 से 14 आयु वर्ग के 100% बच्चे स्कूल में आ रहे हैं।